देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सो वीडियो का टाइटल में देख लिया होगा कि हाउ मच प्रोटीन इज हार्मफुल, और हमें वे प्रोटीन कंज्यूम करें कि ना करें, और कौन सा ब्रांड का प्रोटीन लें, प्रोटीन कब लें, कैसे लें, इट्स सेफ, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या फ़ायदे हैं, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो बेसिकली पहली बात तो ये कि हम कितना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊँ कि किसी का गोल है मसल्स को बिल्ड करना, तो उसकी डाइट में प्रोटीन अराउंड डबल तो फिर भी रहेगा, प्रोटीन डबल रहता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, फैट्स भी थोड़े से ज़्यादा, कैलरीज ओवरऑल इनटेक कैलरीज का ज़्यादा रहता है। पर एट द सेम टाइम जिसका गोल है फैट लॉस करना या कट करना, उसके साथ भी क्या है, उसके साथ भी प्रोटीन का इनटेक हाई ही रहेगा, हाई इन द सेंस डबल बॉडी वेट। तो अब ये मैं बोलूँ कि किसको कितना, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हमारे इंडियन में क्या है ना, बेसिकली लोगों की डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी है, बिकॉज ऑफ दे आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ फैट्स, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन सोर्स, बिकॉज इंडिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन है दे आर वेजिटेरियन, बट डजेंट मैटर कि नॉन वेज खाना ही ज़रूरी है हाई प्रोटीन। मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, बट मेरी एक ओवरऑल डाइट बहुत हाई प्रोटीन रहती है, इन द सेंस एक मेंटेन जितनी मेरी बॉडी को नीड है उस हिसाब से रहती है। फॉर एग्जांपल मैं, मेरा वेट 80 किलो है, तो मैं 140 160 के अराउंड रहता है मेरा प्रोटीन इंटेक। तो यही चीज़ है कि मैं वर्कआउट भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, बी ऑनेस्ट बताऊँ मैं वर्कआउट वीक में 3 बार करता हूँ, पर फिर भी मेरा मसल मास मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन इंटेक हाई है। तो इसलिए वे प्रोटीन को क्या सेफ है, अभी एक गाइडलाइन इंडिया की गवर्नमेंट ने इशू की थी, उस गाइडलाइन में दे आर टेलिंग लाइक वे प्रोटीन इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन बॉडी। That's bullshit guys, no doubt. वे प्रोटीन जो है ना एक ऐसा कंपोनेंट है ना जो बेसिकली मिल्क से बनता है, इट्स टोटली सेफ। अगर आप इंडिया में, हाँ अगर प्रोडक्ट, अगर दिस इज फेक, अगर वे प्रोटीन का डिब्बा, जैसे कि मैं इस समय यूके में हूँ लंदन में, तो यहाँ तो डुप्लीकेसी बहुत कम है इन चीज़ों की, पर अगर आप फेक ले रहे हो वे प्रोटीन और उसको अपनी बॉडी में डाल रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो फेक वे प्रोटीन को, इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, बट फॉल्ट है ना वे प्रोटीन का, फॉल्ट है फेक प्रोडक्ट्स का। तो यही चीज़ है, आप फॉर एग्जांपल आप कोई चॉकलेट शेक पी रहे हो, यू कंज्यूमिंग अ चॉकलेट शेक, इज मच बेटर देन द चॉकलेट शेक। चॉकलेट शेक से 1000 गुना वे प्रोटीन शेक पी लो, और वो कॉस्ट वही है, चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं पर भी हो। तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे किसी भी चीज़ गाइडलाइन को जारी करने से पहले कुछ एक उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें। तो वे प्रोटीन कितना लेना है, आप आते हैं टॉपिक पे, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर जितना चाहो आप ले सकते हो, बस रिमेंबर कि ओवरडोज ना करें। ओवरडोज इन द सेंस एक स्कूप, दो स्कूप, तीन स्कूप उनके लिए जो एडवांस है, जो एथलीट है, एक दो स्कूप नॉर्मल इंडिविजुअल भी ले सकता है। मैं जब वर्कआउट नहीं करता फिर भी मैं 2 स्कूप वे प्रोटीन रखता हूँ, 1 स्कूप वे प्रोटीन रखता हूँ। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव हर जगह ये, यहाँ पे तो फिर भी आदमी अफोर्ड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे पीरियड, यहाँ पे वेजेस ज़्यादा है, पर इंडिया में थोड़ी सी अभी उस टाइम पे आदमी स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज डेवलपिंग कंट्री है। तो एक स्कूप रखो अच्छी क्वालिटी का, ज़्यादा जो वर्कआउट भी नहीं करते अपने मॉम डैड को भी बोलो कि वो भी वे प्रोटीन को ऐड करे, ज़्यादा रोज नहीं लेना, अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा वो इंसान वो रोज ना ले, चल जाएगा, पर कम से कम 2 दिन में एक बार तो वे प्रोटीन की एक स्कूप ले, बिकॉज प्रोटीन जो है ये डोले बनाने के लिए नहीं है कि हम अपने डोले कैसे बनाएं प्रोटीन की वजह से हम डोले बन जाएंगे, हमारे डोले तो बनेंगे, या आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए भी प्रोटीन जरूरी, आपका हेयर फॉल जो हो रहा है, गंजा बना रहा है, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही वे प्रोटीन का साइड इफेक्ट है, ना ही किसी भी चीज़ का, बस एक एक्सेप्शनल केस है कि प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल हो। ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, देखो मैं बेसिकली जब मैं इंडिया में था तो मैं क्या काम करता था कि मैं जाता था कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स को ही मैं ट्राई, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन तो बाहर का प्रोडक्ट है, अब बाहर के इसकी तो बहुत डुप्लीकेसी इंडिया में, तो ये तो मुझे कभी, मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल कहीं, अभी मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप फलाना साइड से दे लो, मुझे नहीं पता उनका सोर्स क्या है। तो हो सकता है आप इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हो, इंडियन प्रोडक्ट्स आर मच आज के टाइम में वो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। पर हाँ, एक दो वीडियो मुझे आई कि वहाँ पे प्रोडक्ट में प्रोटीन इनटेक लिखा था 25 ग्राम अंदर है 10 ग्राम, तो वैसे प्रोडक्ट तो मत जाओ क्योंकि उनका प्रोटीन जो 10 ग्राम है वो भी बैड सोर्स से आ रहा है, बिकॉज जो पैसे के लिए ऐसा कर सकते हैं तो बेसिकली वो तो कुछ भी कर सकती है ऐसी कंपनियां। तो ऐसी कंपनियों से तो टेक अ डिस्टेंस यू गाइस, आप लोग डिस्टेंस ही रखो। और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी तरफ आप जा सकते हो, उनका प्रोटीन सप्लीमेंट लो,
अगर प्रोटीन सप्लीमेंट भी जब लेना है, जब डाइट से वेजिटेरियन पूरा कर लेता है। मेरा तो क्या है, मेरी जॉब रहती है तो मेरे पास टाइम नहीं है इतनी डाइट डाइट बनाऊँ, तो मैं एक स्कूप ले लेता हूँ। अगर आप डाइट से नहीं लेना चाहते हुए अगर आप सॉरी अगर आप सप्लीमेंट से नहीं लेना चाहते तो डाइट से भी सो मैनी ऑप्शन हैं उसके भी। आई विल मेक अ वीडियो, मैं उसके पीछे एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा फ्रूट कौन सा फल वेजिटेरियन में, बिकॉज मैं भी वेजिटेरियन हूँ, कि डाइट से हम वे प्रोटीन अपना इनटेक पूरा करें प्रोटीन। आप बोलो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा। तो डजंट मैटर कि हम कैसे प्रोटीन को लें, सो मैनी ऑप्शन। कमेंट्स करो, हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक और सब्सक्राइब जब करोगे बिकॉज सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इससे क्या है, मेरा खुद का तो लालच है नहीं इतना कि मुझे लाइक चाहिए, क्योंकि आई एम अर्निंग वेल। मैं आज के टाइम पर अच्छा खासा कमा रहा हूँ अपनी जॉब से, लंदन के अंदर बैठा हूँ, यूके में बैठा हूँ। बट लाइक सब्सक्राइब से क्या होता है ना, एक लगता है लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे नॉलेजेबल कंटेंट, तो फिर क्या होगा ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो डाइट प्लान पे भी बनाऊंगा वीडियो, जो आप डाइट प्लान बोलोगे वो डाइट प्लान बनाऊंगा, जो आप लोग तुम लोग बोलोगे कि वे प्रोटीन के बारे में बताओ कौन सा ले वो भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। पर थोड़ा आप लोगों को भी यार, तुम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं अपना कीमती टाइम जो कि मैं अपने निकाल के सिर्फ प्रोटीन के बारे में बताऊँ, ये सब बताऊँ और उसका कोई रिजल्ट ना हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो यही वीडियो, सेफ रहो, हेल्दी रहो और अच्छे से खाओ पियो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, सबकी इज्जत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा आगे फर्दर वीडियो बनाने। थैंक यू सो मच, टेक केयर।